बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों में हाज़िर हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल दानिश परदेसी के ऊपर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दें, साथ बने घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके, कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस तो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनस्किल लेबर के बारे में। अनस्किल्ड कैटेगरी के जो लेबर हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से या बांग्लादेश से, क्या उनका वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा। हाल ही में मुझे कमेंट आया कि भाई आप लोग कहते हैं कि अनस्किल वर्कर के जो वीज़े हैं वो नहीं लग रहे इस वक्त दुबई के, दुबई की किसी भी रियासत में नहीं लग रहे। तो फिर ये जो सप्लाई वाली कंपनी है उसने मुझे दो कंपनियों का नाम बताया, कहा कि ये जो दो कंपनी है इनमें लोग कहते हैं वीज़े लग रहे हैं। तो मेरे भाई एक कंपनी है जिसका नाम डी से आता है, बहुत बड़ी कंपनी है, और एक है उससे थोड़ी सी छोटी जिसका नाम टी से आता है। ये दो कंपनियां बिल्कुल सप्लाई की हैं, लेकिन इसमें भी अनस्किल वर्कर जो है बिल्कुल उनको नहीं चाहिए। इस वक्त कोई भी अनस्किल कैटेगरी का वीज़ा इन चार कंट्रियों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कोई भी एजेंट आपको ये कह रहा है कि हम आपको अनस्किल कैटेगरी का वीज़ा दे रहे हैं, या तो वो कंपनी आपकी जो होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी सी होगी, महदूद सी कंपनी होगी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं होगी, उसको हो सकता है आपको वीज़ा मिल जाए। कोई भी बड़ी कंपनी, ये दो बहुत बड़ी कंपनी है जो सप्लाई की कंपनी है, पूरे दुबई में ये सप्लाई करती हैं लेबर। एक जिसका नाम ये डी से आता है, अल्कोज में इसका कैंप है, और दूसरी जो टी वाली है, टी वाली जो कंपनी है इसमें क्लीनर वगैरह के भी होते हैं और बाकी भी इसमें और भी होते हैं, हर जगह के लिए होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी ये प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ जगह के ऊपर। तो बाकी इसके अलावा जो छोटी कंपनी है बिल्कुल छोटी होती हैं, जिसमें तकरीबन 10 से 15 बंदे होते हैं कंपनी में, ये उनकी कंपनी होती है, तो इस कंपनी की कोई औकात नहीं होती। अगर इसमें आपको वीज़ा मिल भी रहा है अनस्किल कैटेगरी का, तो उसको आपको फ़ायदा कोई नहीं है। हो सकता है अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि आप दुबई में वहाँ पर जुराबें बेच रहे हों रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको इस वक्त अनस्किल कैटेगरी का वीज़ा मिल रहा है तो यही सब आपके पास, आपके साथ होने वाले, या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ा स्कैम होगा। अगर आपने किसी भी एजेंट को इस वक्त पैसे दे दिए, उसने आपसे कह दिए कि आपको वीज़ा दे देंगे अनस्किल कैटेगरी में, उसने आपको ऑफर लेटर जारी कर दिया, वो आप अगर ऑफर लेटर चेक भी करवाएंगे तो वो आपका ऑफर लेटर जो होगा वो फेक होगा, जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अनस्किल कैटेगरी में बहुत कम वीज़े जो हैं इशू हो रहे हैं, बल्कि कोई कंपनी भी इस वक्त वीज़ा नहीं दे रही है। तो ये आप याद रखा करें कि जितने भी एजेंट होते हैं ये झूठ बोलते हैं, आपके पैसे को अपने पास रख लेते हैं, कुछ टाइम इस्तेमाल करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, उसके बाद आपको वापस कर देते हैं, माजरत कर लेते हैं कि भाई आपका वीज़ा नहीं लग सका, ये रीज़न है, वो रीज़न है, कोई भी वीज़ा बताकर। तो इस वक्त प्रॉपरली कोई भी अनस्किल कैटेगरी का वीज़ा ओपन नहीं है। जब ओपन होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलता है नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।